शिवा को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनका दूसरा ब्रांच मुझे याद है मुलुंड के बाद इन्होंने लोखंडवाला में खोला था 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब से हमारा एक एसोसिएशन रहा है शिवा का, शिवा हर वे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे वो एक्टिंग भी करवाता हूँ इनको मैं, और मेरे पिक्चर से जुड़े हुए हैं। जितनी भी पिक्चर में हमारी स्टाइलिंग वाइलिंग होती है, शिवा इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू इट। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवा की। आज 22वां जो उनका है, ये आज एक सलून खुला है नया वाला। और मैंने जिस तरह से इन्होंने गति शुरू की थी अपना, एक सलून मुरुंड से, बाद में लोखंडवाला और कई जगह पे,
और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि पोस्ट 2001 के बाद इन्होंने जितने सैलून खोले मैं हर जगह वहाँ पे गया हूँ, तो मेरा लक फैक्टर भी है शिवाय इसमें। एंड मोर बहुत मेहनती, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, और हेयर स्टाइलिंग की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम बोलता है। जिस तरह चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्म के एक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, शिवा हमेशा ही अपने स्टाइल से जाना जाता है। शिवा अपने हमेशा ही अपने बेसिकली जो उसका एक यूनिक स्टाइल है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, ही इज़ डन अ फैब जॉब। ये लो प्रोफाइल रहते हैं, हालांकि ज़्यादा प्रोफाइल में रहते नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने आप से, अपने विदाउट एनी गॉडफादर, इन्होंने जिस तरह अपना स्ट्रगल शुरू किया है, एंड जिस तरह से आज उनका 22nd सैलून यहाँ पे खुला है खार बैंड्रा में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिवा, मोर पावर टू यू एंड द काइंड ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, एंड द पीपल लव यू, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। एंड इससे पता चलता है आपका प्यार, आपका काम इतना है कि आज एक से लेकर 22वां आपका सैलून खुला है। गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू शिवा। शिवा सर, आपसे चाहूंगा, हमेशा मधुर सर कॉपरेट किया आपको, जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कुछ होता है तो आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, तो जो ऑपरेशन के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन बॉलीवुड। बहुत बहुत मधुर सर को, बहुत मतलब मेरे मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनका उनके लिए बोलने के लिए। बहुत सालों से सर और मैं जुड़ा हूँ, बहुत बहुत मतलब हमेशा फ़ोन करके कैसे शिवा क्या है, कोरोना का टाइम में भी मतलब एक घर परिवार जैसा रिलेशन है हमारा ऐसा बहुत अच्छा अच्छा लगता है ऐसा। ये ज़रा नया कॉन्सेप्ट से बनाया है शिवा सल्यूट, ये पूरा पूरा आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस सब सब के लिए एक अपना तरफ से मतलब ऐसा बहुत बचपन से एक दिल था कुछ अप करना है करना है, ये आज ये अभी मौका मिला है सब। काफ़ी रियल इशूज पे फिल्म बनाया आपने अपने करियर में, ये मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे चल के कभी इस तरह का जो इंडस्ट्री है मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री पे फिल्म बनाने चाहेंगे आप? क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन हाँ अगर शिवा कुछ खुलासा करे कि पीछे के सीन्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा वही बनाई है फिल्में, अगर ऐसा कुछ आइडिया को ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो मैंने डेफिनेटली, मेरे ख्याल से शिवा की खुद की जर्नी बड़ी अच्छी है, इन्होंने बुक भी लिखी है, इनके ऊपर बुक लिखी है लोगों, मैंने पढ़ी है उसमें, उनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको इंप्रेस करता है, जहीं आपको चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये कहानी बोलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से शिवा की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से आज एक नया स्टाइल का उन्होंने पूरा ये एक खुला है अपना, जहाँ जैसे क्या मिलिट्री का बैकड्रॉप है और बहुत ही अच्छा पूरा स्टाइलिंग किया है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आई एम सो हैप्पी, वो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको किया है, मोर पावर टू यू। लास्टली वन क्वेश्चन, अभी भी थिएटर्स बंद है सर, लेकिन OTT पे काफ़ी वेब सीरीज और फिल्म्स भी रिलीज हो रही है, OTT पे जो फिल्म्स रिलीज हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो उस तरह का आपको लगता है रिस्पॉन्स मिलेगा दर्शकों से, और उस तरह का एक फीलिंग आता है, यू नो काइंड ऑफ सक्सेस यू गेट? देखिए, पिछले 1.5 साल से थिएटर बंद है, बीच में थिएटर खोले थे 1 महीने के लिए, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, और सेकेंड वेव आ गया। OTT डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज अपना प्रोड्यूसर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लागत जो है वापस मिलता है। OTT पिछले 1.5 साल में लोगों ने इतना देखा है, लोग उसे पसंद करते, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, और कितनी बड़ी बड़ी पिक्चर जो थिएटर में लगने वाली थी OTT पे आ गई, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा आता है, नई चीज़ देता है, और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में लोगों ने जितनी फिल्में OTT पे देखी है मेरे ख्याल से किधर भी नहीं देखी है। और थिएटर का जो बात हुई, ये अफसोस की बात कहना पड़ता है कि कहीं लोगों ने कहा कि मुझे थिएटर्स भी काफ़ी बंद हो रहे हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल प्लेक्स खास करके। बड़ा दुख होता है क्योंकि पिक्चर हम थिएटर के लिए बनाते हैं, और थिएटर का एक, जैसे मैं कहता हूँ, हमेशा जलवा अलग ही होता है, एक अंधेरे रूप अपना हॉल में जाके देखना, पॉपकॉर्न समोसा खाना, पिक्चर देखना, एक अलग ही फीलिंग आती है। कहीं ऐसे लोग अभी भी जो कहते हैं यार थिएटर का जो मज़ा आता है वो हम मिस कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली जब वैक्सीनेशन काफ़ी पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से कोरोना मेरे ख्याल से और भी मिनिमाइज हो जाएगा, तो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि थिएटर में आके पिक्चर देखे वो, और वही मज़ा वही लुफ्त उठाए जो इतने सालों से हम लोगों ने देखा है, जो जैसे कहा ना अंधेरे थिएटर में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वो जो मज़ा अलग है थिएटर में जाने का, तो जो बिग स्क्रीन का मज़ा है वो अलग ही रहेगा, लेकिन जब भी खुलेगा श्योरली है, और इंडस्ट्री ने हमेशा बाउंस बैक किया है, हमने हमेशा ही, जैसे इंडस्ट्री में कहा था केबल आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, पायरेसी आ गया इंडस्ट्री बंद हो गई, OTT आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, इस तरह की हमेशा
बातचीत होती थी, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री सर्वाइव की अपने बलबूते पे। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में जब भी थिएटर खुलेगा तो लोग जो है, ऑडियंस जो है, प्रेक्षक जो है, वो जाके थिएटर पिक्चर देखेंगे। सर लास्टली ये भी आपकी फिल्मों का इंतजार काफी रहता है दर्शकों को, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं, कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं क्या? मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो लॉकडाउन में अंदर क्या हुआ था, जैसे खास करके फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, जिसके अंदर प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु, प्रकाश बेलवाड़े और आहना कुमरा है, वो पिक्चर अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में एडिटिंग ख़त्म की उसकी, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में एडिट नहीं कर पाया और मैं चाह रहा था कि उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट में भेजूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था तो बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं डेडलाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म हुई है, डबिंग चालू है, तो मैं डिसाइड करूँगा एक 15-20 दिन में कि उसको थिएटर में लग सकती है, क्या सिचुएशन है, या उसको OTT पे रिलीज़ करना है, वो मैं और प्रोड्यूसर बैठ के निर्णय लेंगे। तो डेफिनेटली लोग इंतज़ार करें इंडिया लॉकडाउन का, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिवा सलून के कॉन्सेप्ट, शिवा हमारे ब्रदर, उन्होंने आज यहाँ से सलून चालू किया है। एक आर्मी थीम पे उन्होंने एक सलून की पूरी थीम बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आज जिनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ, और एक पूरा सलून आर्मी के सभी जवानों को समर्पित करता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि मुंबई का जो माहौल है, कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, लोकल ट्रेंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ बता सकते हैं अगर आगे भविष्य में? मैंने कल ही CM साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है, और उसके बारे में जो जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में CM साहब जल्दी निर्णय लेंगे, और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, उनके टाइमिंग्स को लेकर जो है 4 बजे तक, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे तो उसके बारे में CM साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेके जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। ये डिफिकल्ट है, लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। एक्चुअली आई लाइक द स्कीम, द थीम ऑफ इट, एंड आई व्हेन आई हर्ड अबाउट इट इनिशियली आई वाज लिटिल बिट पजल्ड बिकॉज द ओल्ड लेडी लाइक मी व्हाट शी विल डू कमिंग ओवर हियर फॉर इनॉग्रेशन, बट व्हेन आई हर्ड इट देन आई थॉट दैट इट इज देयर वे of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it, we can't go on the border, but इधर रह के इन्होंने जो हो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि so many times we feel that people forget us once the sacrifice is done. Initially all the people say जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है, और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, स्मॉल वन, एल्डर वन, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द सिटी, एवरी वन लुक्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, मोर नाइस, ही वॉन्ट्स टू कैरी हिमसेल्फ वेरी नाइसली रिगार्डिंग हेयर स्टाइल एंड ऑल दिस थिंग्स, वी आर वेरी वेरी कॉशियस, सो ही इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी, आई मस्ट थैंक यू। यू टू दिस थीम एज सच इंस्पायरिंग है काफी, तो क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट में लेगा यहाँ पे आएंगे तो? नहीं, उनको ऑफकोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और जितों से भी अपने को दिल से तन मन से मतलब अब उनको सल्यूट करते हैं, एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है, कुछ करना है, कि आज मेरा 22 आउटलेट है, ये फर्स्ट टाइम अपने शिवा सल्यूट करके इसमें स्टार्ट किया है, सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। शिवा भाई अपना पहले जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल अलग अलग ट्रेंड से इस बार ये लगता है कि भाई अभी का दिन बोलो आज का ट्रेंड है? हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है, पूरा स्पोर्ट्स मैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट, फेड कट, सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं,
यस सर यस सर आई एम हैप्पी, मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अपना 33 ईयर्स हो गया ये फील्ड में, उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। हम उम्मीद करते हैं और कांग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं कर्नल एके शर्मा, मैं यहाँ पे आज शिवा सलूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, इनका कॉरपोरेट पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, ब्रांच चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेड ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो ब्रांच गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं, इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो श्री हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था, ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सलून है, बॉम्बे में है, मैंगलोर में भी है, शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनके अपनी तरफ से एक सैल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे जो जो बच्चे हैं, ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते बट टाइप, जैसे अभी देख रहे हैं हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, हमें, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कुलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था तो टिकट लेने के लिए वहाँ पर मैं अपनी जिप्सी से उतरा, तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था, तो ऐसे एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में, वहाँ से जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले उतरे, तो मेरे से पूछा उन्होंने, वो पता नहीं किसी ऑफिस का मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन, मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पे ही है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ, ये अपनी तरफ से जैसे ये इनको हैं, हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं उनको ये मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए, जैसे अभी आप देखते हैं क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फौज में भी, हमने सारी इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी, पंजाब J&K में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ, और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है, अभी भी देखे, फिर वही अफगानिस्तान के अभी देख लें, फिर वहाँ पर अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम होएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप J&K में, तो ये सर्कल ऐसे जो साइकिल रिपीट होता रहता है, हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मन ही है,
साथी कोई नहीं है, तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं हम, मैं करता हूँ जो उसमें, तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए। जिस प्रकार देश की भी डिफेंस है उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे, उनको मौका मिलने की जरूरत है, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है, तो कुछ है, नोबडी वांट टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, आप किसी कह सकते हैं। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो सल्यूट का खोला गया है, तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे बढ़ते जाएं, और दो दुगनी चार में तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। JNK में शहीद हो गए थे तो बहुत बड़ी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी की है, हम सभी जानते हैं, तो देश के लिए अभी मैं इनको सलूट करता हूँ। एक माता होने के, एक मदर होने के नाते आप कैसे फील करते हैं, तो हमें भी गर्व होता है, मैं एज ए वेटरन भी, और मैडम को भी गर्व होता है, तो thank you very much for your services to the nation and afterwards I took up the mission because when I lost my son I thought that all the people in uniform are equal to my son. Not only that, but I have started writing n number of books regarding their achievements. As he told, nobody in Maharashtra or any southern part, nobody knows about their deeds. So I have written 20 books which are devoted to the soldiers, Shaurya Bhage, 1, 2, 3, Siyachin. अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है, और परमवीर चक्र विजेता, वॉट आर द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस फॉर द वीर नारीज, वीर माता प्रॉब्लम, वी हैव द प्रॉब्लम्स बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एज आई टोल्ड इनिशियली दैट एवरीबडी सेज सैल्यूट, बट बिफोर दैट nobody comes forward to help us, not me, but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very very encouraging, but continuous encouragement is required for them, because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier, officer ki to baat hi chodo. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge, right, and they will carry it out, because in next generation it is very very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we are so many. Yeah. So to fight them, deshbhakton ki toli banni chahiye. Thanks for your time. So I'm very glad to be here today at Shivaj Salute, and this is one of the major dream project of Shivaj since I know him for last 20 years, and he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically, after such a high stint of defense in the country. In last 3 years he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-navy, ex-army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Weather Arms for Armed Forces, contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and a highly privileged move to, you know, a very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of y'all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू डावर फ्रॉम एक्स इंड नेवी. इट वॉज वेरी प्लीजिंग टू नोट दैट डॉक्टर शिवा जी मिस्टर शिवा इज रियली ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी नॉट ओनली बाय हिज नेम शिवा बट द वे ही हैज गिवन शेप टू हिज गुड thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you. I am well known to him. He is my personal friend. That's why I am here. ये जो इधर का IBS इन्होंने जो बनाया है बहुत बढ़िया IBS बनाया है. जगह भी बहुत काफ़ी सिलेक्शन भी अच्छा है. इंटीरियर भी बहुत अच्छा है. लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे हैं लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा. थैंक यू. बेस्ट विशेष. थैंक यू.